बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह जित सकते हो कहते किमें उपमा कहना तू गुरु गोबिंद सिंह को माफी नहीं मंगया यो कर तू गुरु गोबिंद सिंह महाराज नु चिट्ठी लिख के सजे पातशाह साड़ी मदद करो लो जी भीम चंद अते ओदे नाल दे 19 राजे होर कठे हुए कहन लगे आपा गुरु कोलो मदद मंगदे हैं आ वेखना राजनीतिक बंदे साडे गुरु दे दरबार किवें ललकड़ियां कढ़दे राजनीतिक बंदे ए 20 राजा ने चिट्ठी लिखी आ ए चिट्ठी दे अंदर दशम पातशाह कोलो पंगाणी दे युद्ध विच होई गलती दी लिखती तौर ते नाल ते माफी मंगदे आ नाले नदौण दी जंग विच ए अपना सहयोग मंगण वास्ते गुरु दरबार दे विच अरदास लिख के भेज रहे है ए जो कुछ चिट्ठी विच ने लिखिया ए चिट्ठी आनंदपुर साहब पहुंची आ चिट्ठी भरे दरबार अंदर गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे सके ताया जी दे पुत्र महाराज दे सके ताया जी लगदे सन बाबा अणी राय बाबा अणी राय जी दे पुत्र दीवान नंद चंद ने चिट्ठी पढ़ के सुनाई आ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਝੁਕੇ ਆ ਇਹ ਰਾਜਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਘਾਣੀ ਦੇ ਜੁੱਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਆ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਆਪ ਰੱਬਰ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੜਿਆਣਾ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ भीम चंद लिखे
तुसादा है इंतजार गुरजी बड़ो सदे सिर जिमे जाड़ो जिमे जाड़ो जिमे जाड़ो बड़ो सदे सिर के जिमे जाड़ो आई मौत टारो एक बार गुरजी गुरु दाता जी ने दौन की धरती के उत्ते साड़ी मौत आई पई है मामला असी तारिया होया है पर आलम खान धक्के नाल साडे नाल धक्केशाही करके जबरन मामला वसूलना चाहता है साडे कोले मामला है नहीं असी कित्थों तारीए असी मजलूम हाँ असी नकाने हाँ साडी मदद कीती जाए हुण तुसी सारे इतिहास दे सूझवान श्रोते हो थोड़ा जिहा कितने गौर नाल सोच के वेखो पौने दो साल पहला पंघाणी दी धरती ते इहो राजे गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं मारन वास्ते कट्ठे होए इहो राजे पंघाणी दी धरती ते गुरु दाता जी दे नाल इह लड़े पंघाणी की धरती से गुरु दाता जी की ऐसी कृपा हुई उत्थे हलवाई भी लड़े इस गुरु की ऐसी बख्शिश हुई बाणी का प्रताप जारा प्रकट होया साधा के डंडिया में शक्ति आई जेडे संत लोग सन वह डंडे लैके मैदान में नितरे महंत कृपाल दास उदासी वाल मेरा इशारा है हुण पंघाणी की धरती के उत्ते लख तोड़वी हार प्राप्त करके मुड़ते एडे शर्मिंदे होंगे आ कोई मूंह लैके गुरु को माफी मंगण वास्ते भी तैयार नहीं सन भीम चंद ने गुरु साहब जी ने कोलो माफी मंग ली सी क्योंकि उहदी मां राणी चंपा अते उहदा पिता राजा दीप चंद वह गुरु घर के श्रद्धालु सन राणी चंपा ते राजे दीप चंद ने आनंदपुर साहब वसाउण वास्ते गुरु तेग बहादुर महाराज नूं जमीन दित्ती सी अज गुरु महाराज जी ने चरणा दे विच राणी चंपा ने अपने पुत कोलो तां माफी मंगवा ली सी उन्नी राजे माफी मंगण नूं रहिंदे सन इक्की राजे रहिंदे सन जिहड़े दो सन वह अपने भरा मारू जंग विच पै गए आलम खान दे नाल रल गए दुश्मन दे नाल रल गए हुण भी राजे गुरु साहब जी ने दरबार चिट्ठी लिख के भेजदे आ महाराज साडी मदद करो एक शब्द तुहाडे सामने मैं कहण लगा जिहड़े राजनीतिक लोग है साडे गुरु दे चरणां विच झुकदे रहण तां गुरु साहब कृपा करदे ने दो तरह के बंदे ने कुछ लोग गुरु घर मत्था टेकते हैं कुछ लोग गुरु घर मत्था ला लेंगे है कुछ लोग गुरु घर मत्था ला लेंगे है कुछ लोग गुरु घर मत्था टेकते हैं राजा का सिर गुरु चरणों में झुकता ही आया है बाबर बादशाह राज भाग अपने गुरु ने दिता है माण करो इस गल उ गुरु नानक पातशाह की आसीस ना होती तो बाबर बादशाह ना बनता बाबर नूं राज भाग मिलिया गुरु नानक की आसीस आसीस के नाल हमाचू राजा बनया है गुरु अंगद देव जी के आशीर्वाद नाल बहादुर शाह बादशाह बनया गुरु गोबिंद सिंह जी की कृपा के नाल हुण विचारन वाली गल है
ना तो हमाजू सिख है, ना बाबर सिख है, ते ना बहादुर शाह सिख है, ये गैर सिख बंदे आ। सिखो मान करो अपने गुरु ते कि अपने गुरु गैरा नूं राज पा दिंदा है। इत्थे को गैर भी आ जाए ना सवाली बन के गुरु ओदी झोली भर दिंदा है, पर सिख अखवाउण वाला जे राज पा चाहे ना वो अपने गुरु कोलों मंगण की बजाय साधां दे डेरियां विच मंगण जा रहा है। साडे सिखां दे लीडर जिहड़े आ ना ਉਹ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਝੋਲੀਆਂ ਫਲਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਆਹ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ 22 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਦਾਤਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਬਲੀ ਤਪੱਸਵੀ ਵੀਰ ਯੋਧਾ, ਪਿਤਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਉੱਤੇ 10-10 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਬਲੀ ਤਪੱਸਵੀ ਵੀਰ ਯੋਧਾ, ਪਿਤਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਆਲਪ ਖਾਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਪ ਖਾਨ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਘੋਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਣ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਭਲਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਆਉਣ। ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲੜੇ ਆ, ਭਲਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 5-7 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਦੌਣ ਲੜਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਚਾਓਗੇ ਤਿਵੇਂ ਨੱਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਖੋਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਹਸੂ ਹਸੂ ਕਰਦੇ ਪੱਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਿੱਤਰੋ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਕਿ ਭਲਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮਾਨ ਬਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਵਾ ਦੇਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤੇ ਸਿਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਤ ਸਵਾਮੀ ਸੰਧਾ। ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੜੱਪਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਗੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲਈ ਆ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਾਗੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, 2 ਘੜਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਲਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲੜਾਈ ਮਿਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੱਟੀ। ਲੜਾਈ ਭਾਵੇਂ 2 ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ 9 ਸੱਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ 2 ਮੁਲਖਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਥੋੜਾ ਖੱਟੀ ਆ। ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
जंग च बंदूक चा पूरे करने दिया लथ जा संदूर भावे लथ जन्मे दिया। सतगुरु कहते आपां ते समझौता कराउण जाणा है। लो जी 500 सिखां दा जत्था लैके दसम पातशाह महाराज आनंदपुर साहब जी की धरती तो रातों रात नदौण की धरती वालों चाला पाउंदे आ। 500 सिखां दा जत्था उन्हां विचों मुखी सिख ने बाबा आलम चंद नचना जिन्हां नूं आपां भाई आलम सिंह नचना कहिंदे आ। इन्हां विच सत्कारयोग भाई साहब भाई मणि राम जिन्हां नूं आपां शहीद भाई मणि सिंह कहिंदे आ। इन्हां सारे सिखां नूं बाबा सोहण चंद बाबा मोहन लाल ऐसे सिखां नूं नाल लैके सतगुरु महाराज नदौण वालों चाला पाउंदे आ। मैं तुहानूं पहलां गल स्पष्ट कर दावां, इह जिहड़ी साखी आ इह 1690 ईस्वी की घटना है जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज का नाम गुरु गोबिंद राय हुंदा सी। भाव खंडे बांटे की पौल तैयार होने तो पहला दी दास्तान है। जिन्हें सिखा दे नाम ने इन सारे दे नामा नाल किसे ना दास किसे ना चंद किसे ना राम ये सारे गुरु के सिख गुरु महाराज जी नू अपना सेनापति प्रवान करते हुए नदौण की धरती वालों चाला पाते नदौण की धरती से आए। इतने मैं एक गल होर स्पष्ट करनी चाहना है, बड़े दुख ना कहनी पैंदी गल। असी गुरु गोबिंद सिंह महाराज का कला वीर रस वाला पन्ना जिहड़ा है उन्हों संगत विच उभारिया है। आम तौर पर जिहड़े गैर सिख लोग है ना मैनू तुहाडी कृपा नाल दुनिया के बहुते मुल्कां विच जाण दा माण मिलिया। 22-25 मुल्कां दे विच गुरु साहब जी की कृपा सदका महाराज ने सेवावां लईआं है। बाहरले मुल्कां विच भी ते साडे इंडिया विच भी जदों असी किसे गैर सिख दे घरे जांदे आ उन्हां दे घरे गुरु नानक देव जी दी फोटो तां लगी हुंदी है। भावें मैं फोटुआं नूं मनदा नहीं, ये फोटुआं सारियां कल्पनिक है, गुरमत दा नजरिया है। भाई गुरदास जी कहिंदे ने गुर मूर्त गुर शब्द है साध संगत विच प्रगटी आया। असी फोटुआं दे पुजारी नहीं, पर जिहड़ी मैं बेनती करन लगा उहनूं समझण दा यतन करिओ। गैर सिखां दे घरे गुरु नानक साहब दी फोटो तां है पर गुरु गोबिंद सिंह दी नहीं। जे पुछिए भई क्यों, उह कहिंदे सी गुरु नानक बाबा बड़ा ठंडा बाबा है, ता जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह है ये बड़ा खाड़कू बाबा है, ये जिहड़ा बाबा ये वीर रस वाला बाबा, इहनूं तां नहीं असी अपने घर फोटो लाई। वो जिहड़ा गुरु नानक बाबर नूं जाबर कहिंदा है, जिहड़ा गुरु नानक राजे दे सामने राजे शी मुकदम कुत्ते कहिंदा है, उस गुरु नूं साडे सिखां ने ठंडा बाबा समझ रखिया है। आ जिहड़ी गल थोड़ा ध्यान नाल सुणन वाली आ, साडे सिख धर्म अंदर नानक सर गुरद्वारा तां मिलेगा गोबिंद सर गुरद्वारा कितने नहीं मिलेगा। जे कितने होया तो मेरी जानकारी च वाधा करो, गोबिंद सर गुरद्वारा कितने नहीं है, नानक सर गुरद्वारा बनाया जाता है। लोगों को माला बंडी जाए कि लै सिखा आ 108 मणकियां की माला 108 पाठ जपजी साहब दे तू करने हैं। मैनू खिमा करो जिन्हें 108 पाठ करने हैं ना, बाणी ठीक है जिनी पढ़ीए बाणी ने साडा भला करना है, ये कोई दो रहमा नहीं। जिन्हें 108 पाठ करने उन्हें जपजी साहब की बना देनी रेल, वो कदे जपजी साहब के कखर पले नहीं पैन देगा, वो कदे नहीं कहूगा तो गिणती पूरी करनी है भाई इन्ने पाठ होने चाहिए। 11 पाठ सुखमणी साहब के जिन्हें करने हो गए वो सुखमणी साहब का एक अखर कदे पले पैन देगा। असी गुरु ग्रंथ साहब नूं मूर्ति बना के रख दिता, असी गुरु ग्रंथ साहब नूं मूर्ति बनाता गुरुद्वारों के बच्चा जिथे सुख आसन स्थान है उत्थे एसी लाते हीटर लाते केड़ा समझावे कि सिखो तुहाडे गुरु नूं तां तत्ती तवी ते बह के गर्मी नहीं लगती, केड़ा समझावे कि सिखो थोड़ा गुरु तां कोरे दे विच माछी वड़े दी धरती ते ओ रोड़ां दे उत्ते बिना बिस्तरे भूख गूढ़ी नींद सौ जांदा उहनूं कदे ठंड नहीं लगती, कौन समझावे। पर सिखां ने ते गुरु ग्रंथ साहब नूं मूर्ति बनाता ना, असी गुरु ग्रंथ साहब नूं मूर्ति बनाउंदे जा रहे। जदों के साडा गुरु कहिंदा है कि असी गुरु शब्द दे पुजारी हां, आओ आपां गुरु शब्द दे पुजारी बणीए, आ एसी ते हीटरां तों थोड़ी जी अपनी सुरती उच्ची करिए। आ नानक सर गुरद्वारा मिलदा है, गोबिंद सर गुरद्वारा कितें नहीं मिलदा। असी गुरु गोबिंद सिंह नूं केवल ते केवल अतवादियां दा सरमोर बना के रख दिता है। आ जिहड़ा अज दा मेरे कोल इतिहास है मैं तुहाडे सामने एक गल स्पष्ट करनी चाहुंदा है, सतगुर सभना दा भला मनाएगा तिसदा बुरा क्यों होए। साडे सतगुरु महाराज कदे किसे दे वैरी नहीं, वह तो जिन्हों के नाल पौने 2 साल पहला जंग लड़के हटते आ अज उन्होंने हक में 500 सिखा का जत्था लैके भंगाणी के युद्ध वालों चाला पाते भंगाणी की धरती नदौण की धरती के उत्ते। जो गुरु दाता जी की आमद की गल सुनी 20 राजां के मुरझाए चेहरे के उत्ते लाली आ गई,
भी राजे कह लगे महाराज हुण साडी जित हो जू तुहाडी कृपा नाल असीं जित जावांगे। दसम पातशाह कहिंदे असीं लड़न नहीं आए, असीं ते तुहाडा राजीनामा करवाउण आए हां। राजे थोड़ा जिहा गंभीर हो के सोचदे आ वी मारे ना जाइए। दसम पातशाह ने आलप खान नूं सुनेहा भेजिया, ओ आलप खान मैं तुहाडी नाल भी मीटिंग करनी चाहुंदा। आलप खान ने टाइम दे दित्ता है, जिहड़ा दयाल चंद बिजड़ वालिया राजा उहने आलप खान नूं कहा, कहिंदा गुरु बहुता वड्डा जरनैल नहीं है, एवें गुरु दा हवाजा बणिया होइआ है, भंगाणी दी धरती ते गुरु मेरे सामने नहीं आया, जे किते मेरे सामने आउंदा तां मैं एक तीर नाल गुरु नूं चित कर देणा सी। असीं ते एवें भंगाणी हार गए, असीं बहुती तैयारी च नहीं सी गए, गुरु बहुता ताकतवर नहीं है, एड्डी डरन दी लोड़ नहीं है। आलप खान दे कन्न भरे गए। आलप खान मीटिंग विच बैठा है, भी राजे बैठे आ। दसम पातशाह कहन लगे, ओ आलप खान एक तू ते आ बाई राजे इन्हां तेईआं विचों ते तेरे विचों चौबीआं इन्हां बाईआं विचों ते तेई मैं तेरे विचों मैं तुहाडे तेईआं विचों किसे ते यकीन नहीं करदा। तुसीं तिन्ने राजनीतिक बंदे हो, तुहाडा कोई दीन मजहब नहीं है, तुहाडा कोई धर्म नहीं है, तुहाडा धर्म कुर्सी है। जिवें अज दे लीडर कहिंदे धर्म भावे ठठे खूह च, साडी कुर्सी चाहीदी आ। राजा दा कोई धर्म नहीं हुंदा, कहिंदे तुहाडा कोई दीन मजहब नहीं, इन्हां ने मामला नहीं दिता, ये तू कह रहा है। यह कहने मामला असी दिता है, यह कह रहे हैं तुहाडे को कौन सच्चा कौन झूठा मैनू नहीं पता। वैसे सतगुरु नूं पता है कि राजा नाल धक्केशाही हो रही है, नहीं तो महाराज ने जाना नहीं सी। सतगुरु साहब कहन लगे भई राजीनामा करो। आलप खान पहला तो 10,000 रुपया मंगता सी, हुण ओह 1,00,000 रुपया मंगता, कहिंदा राजीनामा कर लो 1,00,000 रुपया दे दो। महाराज कहिंदे आलप खान ये तो बंदिया वाली गल नहीं ना, ये समझौता करने वाली गल नहीं।